देखो, पहला आर्टिकल इसमें आया है आपके जो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से डिजोल्यूट कर दिया गया है, उसको भंग कर दिया गया है। आपको पता है कि असेंबली को भंग कौन करता है? ऑब्वियस है, आप जान रहे हैं, गवर्नर। उस राज्य का गवर्नर होता है, यानी राज्यपाल होता है, वो उस असेंबली को आपका डिजोल्यूट कर सकता है, यानी उसको भंग कर सकता है। अनलॉफुल की बात हो रही है यहाँ पे। अनलॉफुल मतलब कि आपकी जो लॉज होते हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है, जो आपके लॉज होते हैं उसके अगेंस्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे कौन सी बात इंपॉर्टेंट है कि जो आप डिजोल्यूट किया गया, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था, ये नियमों के अकॉर्डिंग नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं था। तो बात करते हैं हम आगे स्टार्टिंग से। देखो, फर्स्ट और जो फॉरमोस्ट लाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप ध्यान से देखें। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर्स एक्शन, देखो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ, उसका मतलब क्या है कि उनका एक्शन या फिर उसका एक्शन, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर्स एक्शन क्या कहता है उसका एक्शन जिन्होंने डिजोल्यूट किया है। कॉन्ट्रोवर्ट्स यानी एक तरह से कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करता है, या फिर एक तरह से आपके सामने खड़ा होता है, आपकी बात को काटता है। कौन सी बात को? वो बात जो कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, व्हाट हैज बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखो एक तरह से क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से इंटरप्रेटर का काम करता है, दूभाषी का काम करता है, और वो क्या समझाता है आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वो आपको समझाता है, ये करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तरह से डिजोल्यूशन करने का तरीका है, उस तरीके से आपकी जो डिजोल्यूट नहीं हुआ है तो ये अनलॉफुल है या फिर कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट है। गवर्नर की बात करें, देखो अभी जम्मू एंड कश्मीर के भी गवर्नर चेंज हुए थे, जहाँ पे 7 गवर्नर चेंज हुए थे, उनमें से एक जम्मू कश्मीर के भी थे, मिस्टर सत्यपाल मलिक जो कि नए गवर्नर थे उनके जम्मू एंड कश्मीर के। हैज वायलेटेड, उल्लंघन किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संवैधानिक नियमों का एंड कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब एक तरह से जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आती हैं उनका एक तरह से उल्लंघन किया है, विदाउट गिविंग एनी क्लेमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। देखो, विदाउट गिविंग एनी क्लेमेंट कहने का मतलब कि उन्होंने एक तरह से वॉयलेशन तो किया, लेकिन उन्होंने साथ में रीजन भी नहीं बताया। क्लेमेंट मतलब एक तरह से दावेदारी जो पेश करते हैं ना, उनको भी एक तरह से दावेदारी का प्रेस करने का मौका नहीं दिया। दावेदारी किसकी बात में? देखो थोड़ा बात अपन थोड़ा अपन टाइम पीरियड आगे लेके चलते हैं, जो प्रीवियस वाला पास्ट का, जब जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शासन चल रहा था या फिर वहां पर जो सत्ता चल रही थी, वो थी एक तरह से कोलिशन था, अलायंस था, किस किस का? भाजपा का और पीडीपी। पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और जिसकी चीफ कौन थी? आपका जो मुफ्ती सईद थी, ठीक है, महबूबा मुफ्ती, है ना, महबूबा मुफ्ती वहाँ की क्या थी, एक तरह से आपकी सीएम थी। तो उस टाइम क्या था, उनका कोलिशन टूट गया, और उसके बाद में कोई वहाँ पे सरकार थी नहीं, गवर्नर का जो रूल होता है राज्यपाल शासन लागू हो रखा था। तो अब धीरे धीरे क्या बात बन रही थी कि एक तरह से नई पार्टी सामने आ सकती है, पीडीपी जो आपकी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका जो वहाँ के जो नेशनल कांग्रेस है एनएल, ठीक है, उसके साथ में कहीं ना कहीं उनका रिलेशन बन रहा था, तो वह कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बना सकती थी और फिर से चुनाव होते तो वो जो आपकी पार्टीज थी कोलिशन के साथ में, अलायंस के साथ में, अपना जो बहुमत प्रदर्शित करती और नई सरकार बन सकती थी। तो उस सरकार के बनने से पहले क्लेमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट, यहाँ पे ये वर्ड क्या कहता है कि उन पार्टीज को उनकी अपॉर्चुनिटी को छीन लिया गया। किसकी अपॉर्चुनिटी? फॉर्म द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बनाने की जो अपॉर्चुनिटी थी उन पार्टीज की, उसको कहीं ना कहीं छीन लिया गया। किसके द्वारा? गवर्नर सत्यपाल मलिक के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। बात करते हैं, देखो नई टर्म आई यहाँ पे, दैट इज एक्सटेंसिव हॉर्स ट्रेडिंग। एक्सटेंसिव हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? एक तरह से जो सत्यपाल मलिक ने जो अपना जो एक तरह से रूल फॉलो किए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एक्सटेंसिव हॉर्स ट्रेडिंग, यानी एक तरह से इलीगली जो या फिर अनलॉफुली चीज करते हैं उसके लिए वर्ड अपनी फ्रेज यूज होती है। एंड अपोजिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वुड नॉट फॉर्म ए स्टेबल गवर्नमेंट एक्सट्रेनियस रीजंस। उन्होंने रीजन क्या दिया? रीजन उन्होंने ये दिया कि जो अपोजिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली पार्टी होती है, कहने का मतलब यहाँ पे बात हो रही है पीडीपी और आपके जो नेशनल कांग्रेस है एनसी, या फिर जो आपके सेंट्रल की कांग्रेस है, वहाँ पे जो दो अलायंस बनना अभी बनने जा रहा था, वो पार्टी कहीं ना कहीं अलग थी। अलग थी मतलब कि उनकी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी यदि उनको सत्ता में आने के लिए यदि गठबंधन करना पड़ा था, वो तैयार हो गए। तो राज्यपाल गवर्नर ने क्या कहा कि ऐसा बिल्कुल गलत है कि ऑपोजिंग पार्टी है वो एक तरह से स्टेबल गवर्नमेंट बना लेंगी, तो ऐसा उनका सोचना था। अब देखो ये बात क्या है, कोरी एक तरह से कल्पना है, एक्सट्रेनियस रीजन है। एक्सट्रेनियस मतलब क्या होता है? एक्सट्रेनियस मतलब कोई भी ऐसे बोल सकते हैं ना, गहरा ना होना, है ना,
भाई बाहर ऐसे बाहरी का बाहरा है ना, एक्सट्रेनियस रीजन मतलब ये कोई रीजन नहीं हुआ बात करने का कि भाई अपोजिंग पार्टी वाली है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सो अब ये काम हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज डेप्रिकेटेड सच ए लाइन ऑफ रीजनिंग। डेप्रिकेट होता है किसी का परिहास उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना, या फिर किसी को नीचे से देखना, ठीक है। अप्रिशिएट होता है अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब किसी को ऊंचा दिखाना है ना, उसकी अप्रिशिएशन करना, उसका मान सम्मान करना, बट उसका एंटनिम है डेप्रिकेट, ठीक है, मतलब किसी का हास उपहास उड़ाना, मौकरी करना, या फिर रेटोरिक लैंग्वेज में बोलना। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा करी है। बात करते हैं थोड़ा और प्रीवियस 2006 की, 2006 यानी 12 साल पहले की बात करते हैं, जब बिहार के गवर्नर ने, उनके गवर्नर का नाम था बूटा सिंह, 2006 की बात है, ठीक है। देन बिहार गवर्नर बूटा सिंह डिजोल्यूट असेंबली वॉज मेला फाइट एंड इलीगल। तो मेला फाइट क्या होता है, मेला फाइट होता है इलीगली होता है, एक तरह से कानून के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई काम करना, दैट इज मेला फाइट। और इस वर्ड को आप ध्यान रख लें, दैट इज मेला, मेला का मतलब होता है रॉन्ग इंडीड, या फिर रॉन्ग वर्ड होता है, या फिर नेगेटिव वर्ड है इसको, आप मान लो मेला जहां पर भी ऐड हो जाएगा, जैसे एक वर्ड होता है मेल न्यूट्रिशन, होता है कुपोषण जिसको अपन बोलते हैं, तो वहां पर भी मेल है न्यूट्रिशन है, मेल का मतलब आपका बुरा यानी कु, ठीक है। बात करते हैं बोथ इंस्टेंसेस, बोथ इंस्टेंसेस मीन्स जम्मू एंड कश्मीर एंड बिहार, ऑपोजिशन पार्टीज वर एट स्टेक टू फॉर्म ए स्टेबल गवर्नमेंट। कहने का मतलब बात कर रहे हैं कि दोनों उदाहरणों में क्या है, ऑपोजिशन की जो पार्टीज होती हैं वो एक तरह से रिस्क पर थी। एट स्टेक का मतलब क्या होता है, एक तरह से रिस्क में होना, स्टेक आप क्या बोलते हैं, स्टेक वैसे तो स्टेक एक तरह से वो भी होता है कि एक तरह से ढेर होना, उसको भी स्टेक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एट स्टेक मतलब रिस्क में होना। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज थी, ऑपोजिट पार्टीज, वो एक तरह से रिस्क में थी स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के। बिहार के अंदर देखो कोई पार्टी नहीं थी उस टाइम 2006 के अंदर, इसलिए ठीक है मान सकते हैं कि चलो लोकसभा नहीं, यहाँ पे जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है LA है, उसको कहीं ना कहीं भंग कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल मामला उल्टा है, जम्मू एंड कश्मीर में दो पार्टी है, PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड NC, NC मतलब नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो पार्टी हैं, फिर भी यदि असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये अनलॉफुल है, अनैतिक है, अनएथिकल है। नाउ देखो ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसको अपन ध्यान से देखते हैं, इसको देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, नो मूव टू फॉर्म ए पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर मंथ्स एंड फेवर्ड फ्रेश इलेक्शंस। कहने का मतलब कई दिनों से आपके पॉपुलर गवर्नमेंट जो आपकी जो गवर्नमेंट है उसको बनाने की बात नहीं थी, कई महीनों से नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि एक तरह से फ्रेश इलेक्शन हो। बट देन दैट कैन नॉट बी रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू डिसॉल्व। देखो कई दिनों से आपके गवर्नमेंट नहीं थी और वहां पे एक तरह से बोल सकते हैं कि वो फ्रेश इलेक्शन चाहते थे कि भैया इलेक्शन वापस से हो। तो इस चीज को देखते हुए यदि गवर्नमेंट गवर्नर है वो यदि असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो दैट कैन नॉट बी द रीजन, ये आपका रीजन नहीं हो सकता फॉर द गवर्नर टू डिजोल्व द 87 मेंबर हाउस। 87 मेंबर का हाउस था। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की आपको कोई असेंबली की सीट्स पूछे तो योर आंसर विल बी 87 मेंबर्स। सो दैट्स, ये आपका कोई रीजन नहीं होता कि 87 मेंबर की असेंबली को आप डिजोल्व कर दें। जस्ट वेन, कब, जस्ट वेन दे वर अबाउट टू कम टूगेदर टू फॉर्म ए लाइकली 56 मेंबर ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ द कांग्रेस। आप उस टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते जिस टाइम पे आपकी एक तरह से PDP है, ठीक है, PDP जिसकी 56 मेंबर है वो आपके नेशनल कांग्रेस के कुछ विधायकों को साथ में रखकर आपके 87 मेंबर की जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो 56 मेंबर उनको करना है, वो दोनों का अलायंस हो सकता था, हो सकता था, ठीक है। कहने का मतलब कि जब आपकी सरकार बनने वाली थी उस टाइम पे यदि गवर्नर आपके लोग आपके जो असेंबली होती है उसको डिसॉल्यूट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको विघटित कर देते हैं, तो ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बीजेपी बैक किसको करती है, बीजेपी बैक करती है सज्जाद लोन, सज्जाद लोने, या आपको वर्ड या ध्यान में रखना, सज्जाद, मिस्टर सज्जाद लोने को बैक करती है। PDP सेंस्ड अनयूजुअल एंड फॉर्म एन अलायंस विद पॉलिटिकल एडवर्सरीज। देखो बीजेपी क्या है, यहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर में सज्जाद लोने यानी ये कोई पर्सन है, इनको सपोर्ट करती है। इस चीज़ को भांपते हुए, सेंस करते हुए PDP ने सोचा, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है या फिर उसके जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने सोचा कि ये अनयूजुअल है, ऐसा कभी नहीं होता कि बीजेपी जो सज्जाद लोने को बैक कर रही है तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। तो उन्होंने कुछ सोचा कि हाँ अपने को सही रहेगा कि अपन अपने एडवर्सरीज होते हैं अपने सामने जो वर्क करते हैं, यानी अपने शत्रु बोल सकते हैं, अपनी कंडीशन के ऑपोजिट जो वर्क करते हैं उनको बोलते हैं एडवर्सरीज,
ठीक है। सो उन्होंने सोचा कि अपने को अच्छा किसमें होगा, अच्छाई किसमें होगी, अपने को गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए। टू फॉर्म एन अलायंस विद पॉलिटिकल एडवर्सरीज, पीडीपी ने क्या सोचा कि बीजेपी सज्जाद लोनी को आपकी बैक कर रही है, तो ये आपका कहीं ना कहीं अनयूजुअल है और अच्छा रहेगा कि अपन पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं, अपने जो राजनीतिक जो एक तरह से बोल सकते हैं कि सामने के जो लोग हैं, सामने की पार्टियां हैं, उनके साथ में अपने को क्या करना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा। और ऑब्वियस है कि ऐसा उनको करना चाहिए था। द कोर्ट हैड ऑल्सो सेड, कोर्ट ने भी क्या कहा है, ऑल्सो सेड अनसबस्टेंशिएटेड क्लेम्स ऑफ हॉर्स रेडिंग। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास क्लेम्स नहीं है, इतने प्रूफ नहीं है कि हम और हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर सकें और करप्शन की बात कर सकें। इन एफर्ट्स एट गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैन नॉट बी साइटेड एज रीजंस टू डिसॉल्व द असेंबली। कहने का मतलब है, कोर्ट ने कहा है कि आपके जो क्लेम्स हैं वो आपके पास लिमिटलेस लिमिटेड हैं, आपके पास इनफ क्लेम्स नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग के, करप्शन के, जिसके बल पे आप कह सको कि भैया यहाँ पे तो सरकार नहीं बन सकती। ठीक है भाई, गवर्नर ने आपकी असेंबली को डिसॉल्व किया है, क्या बताया उन्होंने कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसा, करप्शन जैसा कुछ होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्लेम इतने हैं ही नहीं कि आप उसके बल पे कह सकें कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने कहीं कहीं आपकी सही बात कही है। गवर्नर को क्या करना चाहिए, गवर्नर मस्ट और शुड एक्सप्लोर द न्यू गवर्नमेंट। गवर्नर को देखना चाहिए कि भैया जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट लेस है, यानी आपको पता है कि पीडीपी एंड भाजपा का गठबंधन टूट गया था, ठीक है, तो उस बात के बाद में सारे का सारा राज्यपाल का शासन लगा हुआ है जो कि सही नहीं है, वहां पे तो गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो राज्यपाल को करना क्या चाहिए, राज्यपाल को सोचना चाहिए कि अपने को दूसरी गवर्नमेंट कौन सी बन सकती है, उसको एक्सप्लोर करनी चाहिए वो चीज़। एंड आपका पता है कि ये जो चीज़ एक्सप्लोर करता ठीक है, लेकिन जो असेंबली को डिसॉल्व करने का तरीका है ना, असेंबली को डिसॉल्व करने का तरीका है, जो आपका डिसीजन है उसको वो अकेला नहीं ले सकता। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट टेक दिस डिसीजन सोलली, सोलली मतलब पूर्ण रूप से अपने आप में, सोल सोल का मतलब क्या होता है, अकेला, है ना, उसी तरीके से बोल सकते हैं इसको कि दिस डिसीजन सोलली वो नहीं ले सकता। जम्मू एंड कश्मीर रिलेशनशिप विद द सेंटर इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स। जम्मू एंड कश्मीर को देखो अपन बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको जैसे संवैधानिक दर्जा भी अलग से दे रखा है, एज वेल एज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स मेजर पार्टीज इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कहने का मतलब उनका पार्टिसिपेशन है किसमें, मेजर पार्टीज में भी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी है। तो कहने के अपन जम्मू एंड कश्मीर को अलग ही एक तरह से अलग ही तुला के अंदर रख के उसको सोचते हैं, उनको अच्छे से अपन को सेफ गार्ड कर रखा है, फिर भी यहाँ पे ऐसी क्यों बात हो रही है, उसको अपने को माइंड करना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आर स्ट्रेंथन इन सच ए स्टेट, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए, आपकी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, वो ऐसे राज्यों में तो और स्ट्रेंथन होना चाहिए, ऐसा वीक क्यों हो रहा है, अपने को ये ध्यान में रखना है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। द पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द फ्यूचर शुड नॉट बी साइटेड एज ए रीजन टू स्कैटल इमरजेंट अलायंसेस। क्या बोला है यहाँ पे, द पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि किसी पार्टी में, आपके पॉलिटिकल पार्टी में उसके बाद में स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की क्षमता है या नहीं है, ये बात को अपने को सोचना है इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर, तो उसकी क्षमता को नहीं सोचना, यदि वो बना सकती है तो बना सकती है, तो ऐसा नहीं देखना है कि भैया ये अपने ऑपोजिट में इसको नहीं बनाने देंगे। शुड नॉट बी साइटेड, साइट का मतलब है देखा जाना चाहिए, शुड नॉट बी साइटेड यानी किसी की स्टेबिलिटी को नहीं देखा जाना चाहिए, किस रीजन के लिए, कि भैया ये तो आपके इमर्जिंग अलायंस हो ही नहीं सकते, नहीं ये तो पार्टी गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है पीडीपी और साथ में आपकी नेशनल कांग्रेस की बात चल रही थी, वो आपके क्या कर रहे थे, एक तरह से यहाँ पे अलायंस बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये भाजपा के अगेंस्ट हो जाता, तो ऑब्वियसली जो सत्यपाल मलिक है उन्होंने यही सोचकर वाकई असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, ये अपनी बात थी किसके बारे में, अपने इंडियन जो भी अपना था, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो असेंबली का डिसॉल्यूशन हुआ उसके बारे में। देखो अब बात करते हैं सेकंड अपना है, सेकंड थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपना थोड़ा इजी आज का जो एडिटोरियल है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि इंडिया जो अभी इंडिया की जो क्रिकेट मैच की टीम है वो आपका पता है ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई है, तो कहीं ना कहीं बात हो रही है इंडिया की परफॉर्मेंस की आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब अपना जो प्रायद्वीप है, जैसे बात करें इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, और इतने जो अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर जो खेलती है इंडिया तो ठीक है किसी को जीतने नहीं देती, लेकिन जैसे आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट जाती है, जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया में जाती है, न्यूजीलैंड में जाती है, तो ऐसे इंग्लैंड में, जैसे अभी इंग्लैंड की भी बात करेंगे, इंग्लैंड में अभी लास्ट खेल के आई थी जून के अंदर, ठीक है, तो जून के अंदर नहीं, अभी थोड़े दिनों पहले जो इंग्लैंड के अंदर गए थे,
तो वहां पर भी आपको पता है कि थोड़ा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता, तो उसके बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं सबसे पहली लाइन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, द सोबरिंग ट्रूथ। ट्रूथ कैसा? सोबरिंग ट्रूथ मतलब आपका ट्रूथ है वो आपको हंसाने वाला नहीं है, आपका जो एक तरह से एक्सेप्ट करने वाला ट्रूथ है कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं है। द सोबरिंग ट्रूथ इज दैट कोहलीज मैन, कोहलीज मतलब यानी कोहली के जो लैड्स हैं, लैड्स का मतलब जो उनके टीममेट्स हैं, उनकी बात हो रही है, लाइक मैनी ऑफ दियर प्रेडिसेसर्स। प्रेडिसेसर का मतलब होता है पहले जन्मा हुआ, जो एंसेंट, जो अपने अपना एंसेस्टर था उसको बोलते हैं। तो अपने प्रेडिसेसर कौन कौन है कोहली के? आपको पता है सचिन तेंदुलकर है, वीवीएस लक्ष्मण है, उस वाले गांगुली है, फिर उनके भी कपिल देव वगैरह है, मतलब उनकी बात कर रही है। तो बात ये की जा रही है कि कोहली के जो एक तरह से टीममेट्स हैं, कोहली की जो टीम है वो अपने प्रेडिसेसर की तरह ही क्या कर रही हैव बीन पुअर, पुअर ही रही है, ट्रेवलर्स बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट। कहने का मतलब सबकॉन्टिनेंट के बाहर कोहली के जो एक तरह से टीम है वो ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंट है, अपने प्रीडिसेसर थे जो एंसेस्टर थे पहले के उनकी तरह ही रही है बिल्कुल। जो उन्होंने क्या है कि आउटसाइड सम कॉन्टिनेंट ढंग से आपके शो नहीं कर पाते, एक तरह से ढंग से नहीं खेल पाते, या फिर एक तरह से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। बात करते हैं क्रिकेटिंग रेपुटेशंस की। क्रिकेटिंग रेपुटेशंस आर समटाइम्स मेड और सेटर्ड, कभी कभार बनती है रेपुटेशन, कभी कभार टूटती है। सेटर मतलब होता है, देखो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, बॉम्ब फटता है, बर्स्ट होता है, तो एक तरह से क्या होता है आपके जो ऐसे बोल सकते हैं चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, तो उसका मीनिंग बोलते हैं सेटर। सेटर मतलब एक तरह से टूट फूट जाना, ब्लास्ट हो जाना। तो आपकी जो रेपुटेशन है क्रिकेट वाली वो कभी बनती है, कभी आपके टूटती है, टूटती मतलब चिथड़े चिथड़े हो जाती है। कब? बेस्ड ऑन हाउ ए प्लेयर परफॉर्म्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। देखो 1990s और 2000s की बात करें तो जो एक टीम थी जिसने डोमिनेट किया पूरे क्रिकेटिंग एक्स वर्ल्ड को, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया। अभी राइट ना वो ऐसा नहीं है, लेकिन 1990s की बात करें, 2000s की बात करें तो ऐसा था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई एक प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है ये उसकी डायरेक्ट रेपुटेशन को बिलोंग करता था। रेपुटेशन मतलब यदि अच्छा परफॉर्म करा तो वो उसका रेपुटेशन बन रही है, और यदि बुरा परफॉर्म करता है, डक पे आउट होता है, तो सेटेड हो जाती है यानी टूट फूट जाती है उसकी रेपुटेशन। कब से ये बात कब से है? एवर सिंस, जब से वेस्ट इंडीज वॉज डिफिटेड बाई ऑस्ट्रेलिया इन mid-90s। कहने का मतलब ये कंडीशन कब से है ऑस्ट्रेलिया वाली की, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया सामने परफॉर्म करेगा तो अच्छा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया सामने परफॉर्म नहीं करेगा तो बुरा प्लेयर है, ये कब से हो रहा है? जब से ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था लगभग 1990s के आसपास, ठीक है। देखो वेस्ट इंडीज वॉज डिफिटेड, यहाँ पे पैसिव वॉज का सेंटेंस बना हुआ है, इसलिए वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रखी है, नहीं तो यहाँ पे कोई रूल नहीं था ऐसा। और देखो एवर सिंस का रूल मैंने आपको क्लास में बताया है, एवर सिंस के एक साइड में आपको पता है कौन सा टेंस मिलता है, एक तरफ से आपको मिलता है आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट है, वाज डिफिनिट आपकी पैसिव वॉइस बनी हुई है पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। बात करते हैं देखो कि आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर के 100 100 है, 100 100, ठीक है, टेस्ट एंड वनडे को मिलाकर। तो उसके अंदर भी यदि बात करें, उसके अंदर भी बात करें तो जो उनका 114 रन की पारी थी कहाँ की? पर्थ के अंदर खेली गई थी। पर्थ कहाँ? पर्थ एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ड्यूरिंग 1992 टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 1992 के अंदर जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई थी, जब सचिन के 114 रन थे पर्थ के अंदर, और वो पारी एक तरह से मानी जाती है, रिगार्ड की जाती है एज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट। कहने का मतलब उनकी बेहतरीन पारी में से एक गिनी जाती है। कौन सी? 114 रन की पारी जो उन्होंने 1992 के टूर के दौरान पर्थ में खेली थी। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि देखो रन 214 ही है, उन्होंने तो रन 200 भी बनाए हैं, सबसे पहला दौर शतक उनका ही था, लेकिन इस पारी को क्यों अच्छा माना गया? क्योंकि 1992 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल राइजिंग थी, अपराइजिंग थी, उसके सामने उन्हीं की पिच पे जाके, और वो भी पर्थ की पिच मानी जाती है बहुत तेज, यानी सबसे फास्टेस्ट वो पिच है पर्थ की, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने 114 रन की पारी खेली थी, तो वो बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पर्थ में, दैट वॉज रिमार्केबल। नाउ अब क्या है? नाउ विराट कोहली जस्ट लॉस्ट द फर्स्ट T20 बाई ए नैरो मार्जिन। आपको पता है 2 या 3 दिन पहले जो अपना T20 हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ में, इंडिया 4 रन से हार गई, ठीक है, नैरो मार्जिन था, बट हार तो हार होती है, तो उन्होंने फर्स्ट T20 तो गंवा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी रैंकिंग की। इंडिया की ICC रैंकिंग की बात करें, ICC मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, वो काउंसिल जो एक तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट को एक तरह से कंट्रोल करता है, सबका एक होता है। इंडिया के अंदर इसका कौन है? इंडिया के अंदर BCCI। तो ICC का हेडक्वार्टर आप पूछ सकते हैं, दैट इज
इन दुबई, दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो आपको याद रखना है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, दुबई के अंदर। ठीक है, तो आईसीसी की आईसीसी रैंकिंग की बात करें इंडिया की, तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड है किसमें रेस्पेक्टिवली बात कर रहा हूं मैं, टेस्ट के अंदर फर्स्ट है जो ये बहुत अच्छी बात है, और ओडीआई एंड टी20 के अंदर आपका सेकंड है दोनों में। एंड ये जो बात है ये सबसे तीनों में तीनों ऊपर है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग 4-5 के आसपास, एक में 6 भी है, एक में 4 है, एक में 5 नहीं, 6 में, लेकिन इंडिया की 1-2-2 है, तो ये बेस्ट है। आई थिंक कोई भी टीम इससे बेस्ट नहीं होगी 1-2-2 पे। ठीक है, क्योंकि देखो बताओ टॉप 2 में तीनों फॉर्मेट में आ गए, तो ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग के हिसाब से तो इंडिया उनसे ऊपर है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट में, वनडे में आपको कहीं ना कहीं अपने देश में तो आपको एक तरह से सामना कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर एंड बैंक्रॉफ्ट, तीन पर्सन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर एंड बैंक्रॉफ्ट, इन पे लगा हुआ 1 साल का बैन। और तीनों खिलाड़ी कौन से हैं, तीनों खिलाड़ी आपके टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं। कौन कौन? स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर एंड बैंक्रॉफ्ट। बैंक्रॉफ्ट का नाम अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आई थिंक आई मिस्ड, बट आपको याद रखना है स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर एंड बैंक्रॉफ्ट, तीनों को एक तरह से बैन कर रखा है। किस आरोप में? उन्होंने क्या किया था, बॉल टेम्परिंग के शिकार हुए थे, उन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी, बॉल के ऊपर एक तरह से सैंड स्टोन होता है उसको रगड़ा था, बॉल की शेप खराब करी थी, ऐसा देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने और आईसीसी ने उन पे 1 साल का बैन लगा दिया। और तीनों के तीनों प्लेयर अच्छा खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 जीत चुका है और वनडे जीत चुका है, वनडे सीरीज की बात कर रहा हूँ, वनडे सीरीज T20 सीरीज तो जीत चुका है, लेकिन अभी तक टेस्ट सीरीज वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीती है, और तीन प्लेयर जो कि टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं वो तीन नहीं खेल रहे हैं, तो ये क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ को कम करेगा। हेम्पर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ को कम करना। ठीक है, नाउ एक फिलोसफी होती है, रिजल्ट जस्टिफाइज द अनसेवरी मेथड्स, समझा है कुछ? अनसेवरी क्या होते हैं? अनसेवरी होता है कि एक तरह से ऑफेंसिव कोई वर्क होता है, शर्मिंदा करने वाला, ठीक है ऐसे बोलते हैं ना, तो वो अच्छा वर्क नहीं होता। तो रिजल्ट क्या होते हैं? अनसेवरी मेथड्स, आपके जो मेथड्स हैं वो आपके सही नहीं है। मेथड्स मतलब क्या? बॉल टेम्परिंग की बात हो रही है यहाँ पे, बॉल टेम्परिंग वाला मेथड बिल्कुल सही नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को जस्टिफाई करेगा। इट्स फिलोसफी हैज बीन जस्टिफाइड, ये आपकी फिलोसफी है जस्टिफाई हो चुकी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बात करते हैं आगे, देयर हैज बीन द ओड अपसेट बट लार्जली इट हैज बीन ए टेल ऑफ डेबिलिटेटिंग डिफीट्स। कभी ना कभी हो जाता है कि आप अपसेट हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि लार्जली क्या है, इट हैज बीन ए टेल, टेल क्या होती है? कहानियां। ए टेल ऑफ डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग मतलब होता है किसी को वीक करना, किसी को डाउन करना, किसी का मोरल डाउन करना है, फिर कोई डाउन हो जाना, कमजोर हो जाना, फीबल हो जाना, डेबिलिटेटिंग डिफीट्स, जो डिफीट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर करती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडियाज टूर ऑफ इंग्लैंड, एंड इट वॉज वेरी ऑड दिस ईयर बिकॉज यू नो वी लॉस्ट दिस सीरीज, और वी लॉस्ट द टेस्ट सीरीज 1-4, एंड जो आपकी T20 सीरीज थी, वनडे सीरीज थी, उसको हमने बराबर कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब वो सीरीज आपकी बराबर रही, और लेकिन कहने का मतलब दो सीरीज कौन जीता? इंग्लैंड ने जीता, और इंग्लैंड टेस्ट में भी 1-4 से जीता, 4-1 से जीता, सॉरी 4-1 से जीता, तो ऑब्वियस है, हालांकि टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था इंडिया ने भी, लेकिन देखो जीत तो जीत होती है, जिनके खाते में जीत आती है वो तो मार्क तो वहीं लगेगा, तो एक तरह से इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वेरी ऑड दिस ईयर। बैट्समैन कोहली रेन्स सुप्रीम बट हिज कैप्टेंसी हैज सम अंडर स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी होती है एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी को किसी की जांच करना। ठीक है, कोई आपकी चीज होती है उसकी आप बहुत ही सूक्ष्म जांच करते हैं, दैट इज थिंग इज कॉल्ड स्क्रूटिनी। बैट्समैन कोहली है, ठीक है आपको पता है वो अच्छी बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, रेन सुप्रीम यानी एक तरह से शासन कर रहा है उन सभी बल्लेबाजों के ऊपर जो उसके एरा में खेल रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल श्योर है कि उसके जगह बैट्समैन फिलहाल वर्ल्ड में कोई नहीं है, बट हिज कैप्टेंसी, उसका जो एक तरह से लीडिंग वाली जो एबिलिटी है जो MS धोनी के पास थी वो उनके पास बिल्कुल नहीं है, वो आपके कहीं ना कहीं उनके जांच के एक तरह से घेरे में है ना, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उस पर कहीं ना कहीं संदेह है, लेकिन उनकी जो बैटिंग है उन पर आपको पता है कि कोई भी बच्चा भी संदेह नहीं कर सकता। द कॉन्स्टेंट सफलिंग, सफलिंग क्या होते हैं? सफलिंग मतलब एक तरह से ऑर्डर चेंज करना, जो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, दांत के पत्ते, उनको अपन सफल करते हैं ना सफल, वैसे कॉन्स्टेंट सफलिंग किस चीज में? ऑफ द प्लेइंग 11, आपको पता है कि जो कोहली खेलते हैं तो आपकी जो 11 मेंबर की टीम होती है उसको कांस्टेंट सफल करते रहते हैं, सफल मतलब कि आज ए प्लेयर है तो अगले में जो 11 प्लेयर होंगे उनमें वो डिफरेंट होगा, उससे अगले में फिर डिफरेंट होगा, तो ये जो चीज है इसने क्या किया, ट्रिगर्ड चर्न, एक तरह से
एजिटेशन बोल सकता हूं मैं। चरण का मतलब होता है एक तरह से, ऐसे बोल सकते हैं कि आपने भूचाल सा आ गया इस चीज से, एंड द इंडियन स्कीपर हैज टू वर्क ऑन गेटिंग हिज न्यूक्लियस राइट। अपने आप को उन्होंने सही करने की जरूरत है, अपना जो इधर से टेम्परामेंट है, जो अपनी सोच है, थिंकिंग है, उसको सही दिशा में लाने की जरूरत है। किसको? मिस्टर कोहली को। इंडिया हैज बेंच स्ट्रेंथ, इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ है, अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे आपके बैट्समैन भी हैं, अच्छे फील्डर हैं, ठीक है, अच्छे आपके पेस बॉलर भी अच्छे हैं, एंड कॉन्फिडेंस भी है टू पुट असाइड इनफीबल्ड ऑस्ट्रेलिया। इनफीबल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, इनफीबल्ड के यहाँ पे एडजेक्टिव है, और फीबल का मतलब होता है कमजोर होना, कमजोर, फीबल मतलब कमजोर। इन आप ई एन आगे लग गया मतलब ये नाउन वर्ब बन गई, इन फीबल यानी कमजोर करना, और ई डी लग गया मतलब ये हो गया आपका एग्जेक्टिव। हालांकि वर्ब भी है, लेकिन आपका पता है पार्टिसिपल में आपकी वर्ब होती है, सेकंड वर्ब या थर्ड वर्ब जो आपकी एज एन एग्जेक्टिव काम कर सकती है। तो पुट असाइड इनफीबल, कमजोर हुई हुई ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है और कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को पुट असाइड कर सकते हैं, साइड में खिसका सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या इफेक्टिव चीज है? बट ए पोटेंट पेस अटैक लेड बाय मिसल स्टार ऑफर्स ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर स्पेशली इन टेस्ट। लेकिन टेस्ट के अंदर जो उनका जो पेसर है, कौन मिशेल स्टार्क है और भी कई पेसर हैं, तो उनके लिए वो अपने थ्रेट पैदा कर सकते हैं। इंडिया हैज टू एक्सोरसाइज द घोस्ट ऑफ द पास्ट। इंडिया को क्या करना है, जो पास्ट के अंदर जो हुआ उस वाले घोस्ट को, उस वाले भूत को कहीं ना कहीं, जो एक तरह से डेविल है, उसको कहीं ना कहीं पीछे साइड में करना होगा। हैविंग नेवर वन ए टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, इस सूखे को समाप्त करना होगा। द सर्कमस्टांसिस आर प्रोमिसिंग फॉर इट टू करेक्ट दैट रिकॉर्ड। सर्कमस्टांसिस क्या है, जैसे तीन खिलाड़ियों बैन लगा हुआ ऑस्ट्रेलिया के, अच्छे खिलाड़ी थे, तीनों टेस्ट के थे, तो वो खिलाड़ी टेस्ट में नहीं खेलेंगे, तो होपफुली आपको इंडिया को सहायता मिलेगी, जो कि प्रोमिसिंग कंडीशन है, तो आप उस रिकॉर्ड को सही कर सकते हो, जो आपका कभी न कभी 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 भी आपने टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीती, इस रिकॉर्ड को आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए अच्छी कंडीशन है। ये अपने कंप्लीट आर्टिकल थे आज के। नाउ वी विल टॉक अबाउट वोकैबुलरी। द फर्स्ट वर्ड इज गाइल, इसको प्रोनाउंसिएट क्या करना है, गाइल, GUILE, गाइल। गाइल का मतलब होता है कि ऐसी थिंग या ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई पर्सन जो आपको अपनी चालाकी से आपको फंसा ले, आपको छलावा करे, आपके सामने छल से कॉन्स्पिरेसी के लिए षड्यंत्र करे, ठीक है, अपने अपने माइंड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा गाइल का मतलब श्रूडनेस। तो श्रूडनेस अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। श्रूडनेस का मतलब होता है एक तरह से जो माइंड की एक तरह से थिंकिंग पावर होती है, आपकी जो कैचिंग पावर होती है ना, उसके जो उसको बोलते हैं स्किल्स को बोलते हैं श्रूडनेस। श्रूडनेस एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई बींग स्किल्ड इन डिसेप्शन। कोई आदमी यदि छलावे में मशहूर होता है, स्किल्ड होता है वो छलावे के अंदर। डिसेप्शन क्या होता है, किसी को किसी के साथ छल कपट करना। तो कोई पर्सन यदि छल कपट में या कोई थिंग ऐसी होती है जो छल कपट में माहिर होती है, उसको बोलते हैं गाइल। गाइल इज एन एडजेक्टिव। डेबिलिटेट का मतलब टू मेक वीक इन फीबल, किसी को वीक करना, कमजोर करना, इन फीबल का मतलब ही वही होता है। ट्यूमुल्ट, ट्यूमुल्ट क्या होता है, ट्यूमुल्ट होता है एक तरह से, जैसे मैंने आपको वर्ड बताया था केओस, हलचल पैदा होना, कंफ्यूजन होना, आपका ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं होना, उसको बोलते हैं ट्यूमुल्ट। ट्यूमुल्ट भी उसका सिनोनिम है। ए स्टेट ऑफ कमोशन, कमोशन क्या होता है, हड़बड़ी में, ठीक है, एंड नॉइज, ज्यादा आवाज में, एंड कंफ्यूजन, ठीक है, असमंजस में, ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पे आप बहुत ही हड़बड़ी में होते हैं, आपके पास बहुत शोर होता है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कन्फ्यूज रहते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड ट्यूमल्ट। अनसेवरी, आई हैव डिस्कस्ड इट, दैट इज मॉरली ऑफेंसिव, दैट इज कॉल्ड अनसेवरी। स्कटल क्या होता है, स्कटल का मतलब टू मूव अबाउट और प्रोसीड हरेडली, यदि सामने जाना लेकिन बहुत तेजी से, रून कर देना किस चीज़ को, किस चीज़ को तबाह कर देना, दैट इज स्कटल। अनसब्सटेंशिएटेड, अनसब्सटेंशिएट का मतलब होता है कि आपने अपनी बात तो रखी लेकिन कोई एविडेंस नहीं था, मतलब विदाउट एविडेंस, विदाउट आपके गवाहों के, आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी बात को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो अनसपोर्टेड ही रहेगी। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, है ना, देखो ऐसे बोल सकते ना कि जैसे गाजा तूफान आ रहा है, अभी अभी तो वो थोड़ा थम गया, लेकिन अभी तमिलनाडु के अंदर कोस्टल एरियाज में आया था, तो उसने ऑल टुगेदर चीजों को खत्म कर दिया, रून कर दिया, वहां से उड़ा दिया, घर थे, मकान थे, सबको तहस नहस कर दिया, ऑल टुगेदर, कंप्लीटली, कंप्लीट डिग्री और द फुल और द इंटायर एक्सटेंट, बहुत ही लंबी चौड़ी सीमाओं के अंदर कोई काम होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डिग्री एंड ऑल टुगेदर। सट आउट, सट आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, किसी पर्सन को कहीं पर जाने से रोकना, प्रिवेंट करना, उसको रोकना,
प्रिवेंट किसे करना, फ्रॉम एंट्रिंग, अंदर आने से, ठीक है। एक्सट्रेनियस, नॉट पर्टिनेंट टू द मैटर अंडर कंसिडरेशन, कहने का मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होना जो आपको कंसिडर करनी हो, जिसपे आपको विचार करना हो, मतलब जब बाहरी चीजें होती ना जिसपे आपको विचार ही नहीं करना होता, ठीक है, जिसपे आपको ध्यान देना ही नहीं है, कंसिडर करना ही नहीं है, इग्नोर करना है, दैट थिंग इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस। क्लेमेंट, क्लेम से बना क्लेमेंट, क्लेम क्या होता है, आपका कुछ दावा फेस करते हैं उसको बोलते हैं क्लेम। समवन हु क्लेम्स ए बेनिफिट, राइट और टाइटल, कोई पर्सन जो कि आपके लिए दावा करता है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और टाइटल यानी उसके जो एक तरह से उसके पास जो उपाधियां हैं उनके लिए जो क्लेम करता है उसको बोलते हैं क्लेमेंट पर्सन, ठीक है। तो ये अपने सारे वर्ड्स थे, वो क्या बुस्टर के, होपफुली आपको समझ में होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट कर सकते हैं आप, और शेयर करें बिल्कुल बहुत ज़्यादा, आपके अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जो हेल्प आपको मिल रही है वो भी इनसे लाभान्वित हो सकें, आपके एडवांटेजेस हो सकें, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी।